हाय, दिस इज आशीष। यू आर वॉचिंग लीगल इनसेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में जो किसी महिला को फाइल करना चाहिए अगर उसको उसके ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है, या दहेज को लेकर उसके साथ क्रुएलिटी की जाती है। साथ ही साथ अगर उसका पति उसको मेंटेन नहीं करता है, मतलब कि जब उसके बेसिक खर्चे हैं अगर वो उसको नहीं उठाता है या नहीं पूरे करता है, तो ऐसे कौन से तीन केसेस हैं जो उसको फाइल करना चाहिए अगर उसको रेमेडी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं बेसिकली इन तीन केसेस के बारे में। तो साथ ही साथ हम बात करेंगे ऐसे चौथे केस के बारे में जो किसी महिला को फाइल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मली देखा जाता है कि कोई वकील इससे वो सलाह लेती है तो उसको सलाह देता है कि वो चौथा केस भी फाइल करे, या उसके घर के मेंबर्स होते हैं वो बताते हैं कि उसको वो चौथा केस भी फाइल करना चाहिए। लेकिन अगर वो चौथा केस वो फाइल करती है तो उसके ये जो तीन केसेस फाइल जो वो करेगी वो वीक पड़ जाते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इन तीन केसेस को सेफ रखने के लिए उस चौथे केस को कभी भी फाइल नहीं करना चाहिए जब तक उचित समय ना आ जाए। तो चलिए बेसिकली आज मैं बताऊंगा आपको कि कौन से ऐसे ये तीन केसेस हैं जो उसको फाइल करने चाहिए और कौन सा ऐसा चौथा केस है जो फाइल नहीं करना चाहिए और समय आने पर उसको फाइल करना चाहिए। तो बेसिकली इन सभी तीन केसेस में से जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट केस है वो है सीआरपीसी के सेक्शन 125 का केस। आम भाषा में हम इसको मेंटेनेंस का केस या खर्चे पानी का केस भी बोल सकते हैं। इस केस में बेसिकली होता क्या है पहले ये समझो। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब सपोज करो कि महिला अपने पति से अलग रह रही है और उसका पति जो है उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, उसको खर्चा पानी नहीं दे रहा है, उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 में वो केस फाइल कर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो महिला अलग रह रही हो तभी वो केस फाइल कर सकती है। अगर वो महिला साथ में भी रह रही है और वो पति उसका मेंटेन नहीं कर रहा है तब भी वो केस फाइल कर सकती है। अब यहाँ पर जो केस को फाइल करने का जो मुख्य कारण है, जो ग्राउंड है, पहले वो समझो कि किस ग्राउंड पर वो केस फाइल किया जाता है। सपोज करो कि महिला अलग रह रही है तो किस लिए वो अलग रह रही है, ये चीज उस केस में मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब वो केस फाइल करती है तो पति बोल सकता है कि भाई ये तो अपनी मर्जी से अलग रह रही है। तो यहाँ पर बेसिकली उस महिला को प्रूव करना पड़ता है कि उसके अलग रहने का क्या रीजन है, किस वजह से वो अलग है, उसके साथ क्या हुआ ससुराल में जिसकी वजह से वो अलग रह रही है। तो इस ग्राउंड को बेसिकली उस महिला को केस में क्लियर करना चाहिए कि किस वजह से वो महिला अपने पति से अलग है और उसको मेंटेनेंस किस वजह से चाहिए। अब ये समझो कि इस केस में उस महिला को कितना मेंटेनेंस मिल सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसका पति कितना कमाता है और उसका जो ससुराल में लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, इसी आधार पर डिसाइड होता है कि उस महिला को भी कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये है मेंटेनेंस का केस जो बेसिकली किसी भी महिला को फाइल करना चाहिए, जिसमें वो ये प्रूव करेगी कि आखिर वो अपने पति से किस वजह से अलग है और उसको मेंटेनेंस क्यों चाहिए और कितना मेंटेनेंस चाहिए। ये डिसाइड होता है उस पति के लिविंग स्टैंडर्ड पर और वो कितना कमाता है, इसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि कितना मेंटेनेंस उसको मिलेगा। चलिए ये था पहला केस, अब बात करते हैं दूसरे केस के बारे में। दूसरा केस होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 में फाइल किया गया केस। इसको बेसिकली हम आमतौर पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बोलते हैं या घरेलू हिंसा का केस बोलते हैं। इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली महिला को यह बताना होता है कि कोर्ट को कि उसके साथ उसके घर में, उसके ससुराल में उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है। उसकी सास, उसकी ननद, उसका ससुर या उसका पति या उसका देवर, कोई भी व्यक्ति जो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, उन सभी के खिलाफ वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। इस केस को प्रूव करने के लिए बेसिकली महिला को अपने केस में बताना पड़ता है कि किस व्यक्ति ने कब कब उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया। तो हर एक इंसिडेंट को बेसिकली उस केस में नैरेट करना पड़ता है जिस भी व्यक्ति के खिलाफ वो एलिगेशंस लगा रही है। इस केस को फाइल करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति को अक्यूज्ड बनाया जा रहा है उस व्यक्ति ने कब कब डोमेस्टिक वायलेंस उस महिला के खिलाफ किया है, वो सब जो है उसको अपने केस में नैरेट करना होता है ताकि कोर्ट कन्विंस हो सके कि हाँ सचमुच में उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। अब ये समझो कि इस केस को फाइल करके वो महिला कोर्ट से क्या क्या क्लेम कर सकती है। इस केस को फाइल करके वो महिला जो है प्रोटेक्शन के लिए डिमांड कर सकती है कि उसके खिलाफ कोई हिंसा ना हो उसके घर में, और वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, और इसके साथ ही साथ वो उस घर में रहने के अधिकार को भी क्लेम कर सकती है। तो बेसिकली जो ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है और इसको हर एक महिला को फाइल करना चाहिए। इसके बाद समझते हैं कि जो तीसरा केस है वो कौन सा केस है जो महिला फाइल कर सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 498A में दहेज के केस को भी जो है वो महिला फाइल कर सकती है। अगर उस महिला को दहेज को लेकर परेशान किया जाता है, उसके साथ मारपिटाई की जाती है, क्रुएलिटी की जाती है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 498A में वो दहेज का केस भी फाइल कर सकती है। इसमें
बेसिकली क्या करना होता है पहले ये समझो, इसमें सबसे पहले महिला थाना या सीडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट करना होता है और उसके बाद उस कंप्लेंट के माध्यम से पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर होती है उन सभी के अगेंस्ट। तो बेसिकली ये तीन केसेस हैं जो कोई भी महिला फाइल कर सकती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब समझते हैं कि बेसिकली कौन सा ऐसा चौथा केस है जो किसी भी महिला को फाइल नहीं करना चाहिए। होता यह है कि इन सभी से परेशान होकर वो महिला जो है डाइवोर्स का केस भी फाइल करती है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) में। तो बेसिकली ये वाला केस बिल्कुल भी फाइल नहीं करना चाहिए किसी भी महिला को, क्योंकि अगर वो ये केस फाइल करती है, अगर वो डाइवोर्स का केस फाइल करती है, तो जो उसका मेंटेनेंस का केस है वो वीक पड़ जाता है, उसका जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है वो भी वीक पड़ जाता है क्योंकि उसमें भी वो मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है। तो बेसिकली कभी भी डाइवोर्स का केस नहीं फाइल करना चाहिए किसी भी महिला को। डाइवोर्स का केस तब फाइल करना चाहिए जब उसका पति भी डाइवोर्स देने के इच्छुक है। अगर दोनों ही लोग डाइवोर्स देने के इच्छुक हैं तो उस महिला को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(b) में डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहिए। इसमें बेसिकली म्यूचुअल डाइवोर्स होता है जो दोनों ही मिलकर डाइवोर्स लेते हैं और ये केस बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, विद इन 6 मंथ ये केस खत्म हो जाता है। तो बेसिकली जब भी डाइवोर्स लेना है तो म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहिए, नॉर्मल डाइवोर्स का केस कभी भी फाइल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है और ये जो डाइवोर्स का केस है आपके जो दूसरे केसेस है उसको वीक कर देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली आपको कौन से तीन केसेस फाइल करने हैं और चौथा जो डाइवोर्स का केस है वो बिल्कुल भी फाइल नहीं करना है, उसको तब फाइल करना है जब महिला का पति भी डाइवोर्स देने के इच्छुक है। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों ही मिलकर म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।